हेलो बच्चों, वेलकम टू बालाजी विद्यापीठ। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने ईएमआर के बारे में स्टडी करी थी। ईएमआर क्या थी मेरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या थी मेरी, जिसमें मेरे दो कंपोनेंट थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है, जिसे हमने ई से डिनोट किया था, और एक था मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, जिसे मैंने बी से डिनोट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी क्या बेसिकली? इसमें दो कंपोनेंट थे मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए एक साथ परपेंडिकुलरली ही मूव करते थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, चाहे वो हमारी रे बल्ब से निकली हो, सन से निकली हो, ठीक है, ट्यूबलाइट से निकली हो, या फिर कोई हीटेड एलिमेंट। मान लिया मेरे पास आयरन है, आयरन को मैंने जब गर्म किया तो वो रेड कलर का हो जाता है, उसमें से भी मेरी लाइट निकलती है। वो क्या है मेरी? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ठीक है, वैसे ही सेम ऐसे मान लो, देखो कहीं पे आग लगी है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब मेरे से 5 मीटर दूर पे आग लगी है, ठीक है, अच्छी खासी बढ़िया सी, तो उसकी जो हीट है मेरे को दूर से ही पता चल जाएगी, 5 मीटर दूर से ही पता चल जाएगी। क्यों? मेरे को हीट पता चलेगी कि भाई गर्म लग रहा है, ठीक है, तो जो हीट एनर्जी है वो वहां से यहाँ तक कैसे है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। भैया क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ठीक है, और क्या होते हैं? दो कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और क्या हमने पढ़ा था? और हमने पढ़ा था वेव्स के बारे में। क्या पढ़ा था? वेव्स के बारे में। वेव्स क्या थी मेरी? उसमें हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पढ़ा था, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते थे? न्यू से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते थे? लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? न्यू इज इक्वल्स टू में बी अपॉन में लैम्डा। क्या था? बी अपॉन में लैम्डा। इसे हमने किस एग्जांपल में समझा था? मान लो मेरे पास 100 एप्पल्स हैं, ठीक है, 100 एप्पल्स हैं, और एक एप्पल का मास मान लिया मेरा 2 kg है। कितना है? 2 kg है। एग्जांपल के तौर पे एक एप्पल का मास कितना है? 2 kg है। मेरे को नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 100/2, जो कि आएगा मेरा 50 एप्पल्स, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या थी मेरी? मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ से मेरी ईएमआर रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे, तो एक सेकंड में, पर सेकंड में कितनी वेवलेंथ आपसे टकराएंगी या कितनी ईएमआर रेडिएशंस आपसे टकराएंगी, ठीक है, वो क्या होगा मेरा? फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ किस पर्टिकुलर पॉइंट को पार करेंगी, वो होगा क्या मेरा? फ्रीक्वेंसी। म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेवलेंथ कितनी है मेरी? लैम्डा, ठीक है। तो मेरे को मान लिया जो मेरी ये ईएमआर रेडिएशन थी वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, तो जो मेरी टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ आएगी वी में वो कितनी आएगी? वी आएगी। तो मैंने क्या करा? वी डिवाइड बाय लैम्डा। जैसे कि मेरे टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 100। एक एप्पल का मास कितना था? 2। तो मेरा नंबर ऑफ कितने आ गए थे? एप्पल आ गए थे। सेम रहते थे यहाँ पे, एक वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, उसमें जितनी वी में आई होगी, जितनी वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, जितनी निकली होगी पर सेकेंड, वो मेरा क्या आएगा? नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल के आ जाएगी, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही तो थी, तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे आज। हेडिंग लगाओ सब लोग, स्पेक्ट्रम। हेडिंग लगाओ स्पेक्ट्रम, हैशटैग स्पेक्ट्रम, लिखो इसमें। इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट व्हेनेवर
whenever any light is passes through a prism, is passes through a prism, ठीक है? अब जो पहले लिखा है उसे एक बारी पढ़ लो, क्या समझ में आ रहा है? पहले उसे दिमाग में बिठा लो, क्या समझ में आ रहा है? उसे दिमाग में एक बारी बिठा लो, क्या बोला मैंने? It is the impression obtained on a photographic plate, ठीक है? Whenever any light is passes through a prism, ठीक है? मान लो मेरे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म बहुत बच्चों ने देखा होगा, ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है? ये होता है बच्चों देखो प्रिज्म, ठीक है? कुछ इस टाइप का ये प्रिज्म है मेरा, ठीक है? जैसे मैंने ऐसे रखा है कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है? कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने रखा है, और जब मैं लाइट पास कराऊंगा यहाँ से, कोई भी लाइट, सपोज मैंने व्हाइट लाइट की बीम पास कराई, क्या पास कराई? व्हाइट लाइट की बीम पास कराई यहाँ से, यहाँ से मैंने क्या पास कराई? व्हाइट लाइट की, व्हाइट लाइट की बीम मैंने यहाँ से पास कराई। बीम और रे में सबको डिफरेंस पता है क्या होता है? रे होता है ओनली सिंगल वेवलेंथ की, और बीम क्या होता है? मेरा बंडल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि बंडल ऑफ वेवलेंथ मतलब एक ही लाइट में बहुत सारे कलर की वेवलेंथ होना है, बहुत सारी वेवलेंथ होना बोल सकते हैं। रे मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है? रे मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है? रे मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो मैंने यहाँ से बीम पास कराई, यानी बहुत सारी वेवलेंथ वाली कोई लाइट पास कराई, ठीक है? तो प्रिज्म का काम क्या होता है यहाँ पे? इसके अंदर जितनी भी वेवलेंथ होती है उन सबको अलग अलग करके इंप्रेशन दिखाता है मेरा किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे ऐसा कुछ हमारा होता था, ठीक है? कैमरे की रील्स वगैरह में या फिर जो पिक्चर की जो रील्स वगैरह होती थी, आपने देखा होगी कि वो ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है? और कुछ इस तरह से होती थी, ठीक है? कुछ इस तरह से होती थी, ठीक है? तो ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट होती थी, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ से प्रिज्म से थ्रू पास कराई मेरी व्हाइट लाइट, ठीक है? तो देखो जो मेरी व्हाइट लाइट है, जो मेरी व्हाइट लाइट है वो लोअर डेंसर टू हाइयर डेंसर जा रही है, ठीक है? ये एयर है, ये क्या है? मेरा लोअर डेंसर। इसमें इजीली मेरी जो वेवलेंथ है वो पास होगी, लेकिन जब ये हाइयर डेंसर यानी कि ग्लास के डेंसिटी में जाएगी तो ये क्या होगी? रिफ्रैक्शन शो करेगी। बेसिकली मेरा ग्लास है, ठीक है? क्या है? ग्लास है, कांच का गिलास है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, ठीक है? कोई कांच का गिलास है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। अब जब मैं इसमें कोई रे मारूंगा, ठीक है, लाइट की रे मारूंगा, तो वो ऐसे बैंड सी हो जाती है हल्की सी, ठीक है? ठीक है, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देती है, या फिर मैं पेंसिल भी रखता हूँ कोई, तो वो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है पेंसिल भी, अगर कोई पेन पेंसिल कुछ भी रखूँ तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? वो कैसा होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है वो? रिफ्रैक्शन। वैसे ही क्योंकि वो जो मेरी रे ऑफ लाइट है, जो मेरी पेंसिल है, वो लोअर डेंसर मतलब लोअर डेंसर टू हाइयर डेंसर मूव करती है, ठीक है? वैसे ही जब मेरी व्हाइट कलर की बीम है लाइट की, ये इस प्रिज्म के थ्रू पास करेगी, तो इसमें से मेरी कुछ वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? सही से बना देते हैं, मैं थोड़ा और सही से बना देते हैं, ठीक है? तो ये जो मेरी रेस निकली थी, इन्हें हमने बोला था विब ग्योर। क्या बोला था? विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर, ठीक है? बी से था मेरा वॉयलेट, आई से था मेरा इंडिगो, आई से था मेरा इंडिगो, बी से था मेरा ब्लू, जी से था मेरा ग्रीन, ठीक है? जी से था मेरा ग्रीन, वाई से था मेरा येलो, ओ से था मेरा ऑरेंज, और आर से था मेरा रेड। तो सेवन कलर की वेवलेंथ मेरी यहाँ से निकल रही थी। आपने न्यूटन डिस्क का नाम सुना होगा, ठीक है? न्यूटन डिस्क का नाम सुना होगा, ऐसा गोल होती है, ठीक है? और उसके अंदर सेवन कलर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? सेवन कलर्स होते हैं, वो सेवन कलर्स यही होते हैं, ठीक है? और जब हम इसे बहुत अच्छे से तेज तेज रोटेट करते हैं, सपोज इसके मैंने पीछे कोई डीसी मोटर लगा दी सर्कुलर प्लेट के पीछे,
और जब मैंने इसे रोटेट किया ठीक है, तो क्या देखा कि जो सेवन कलर थे वो मिक्स होकर व्हाइट कलर बनाते हैं, उसी को हम न्यूटन डिस्क बोलते हैं। वैसे यहाँ पे जो मैंने व्हाइट लाइट की बीम पास कराई तो प्रिज्म ने जब उसे स्प्लिट आउट करा तो सेवन कलर्स निकले, जिसे हमने विप्योर बोला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ठीक है। और इन्हें हम बोलते हैं, ये जो मेरी सेवन वेवलेंथ निकली इन्हें हम बोलते हैं बच्चों विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट या फिर विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल लाइट और विजिबल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो मेरी पावर होती है वो क्या होती है? पावर होती है, इसे मैंने आपको बताई भी थी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। लेकिन जो इसकी सटीक वैल्यू होती है वो होती है 3200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मेरी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी तक की वेवलेंथ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है गामा रेज, एक्स रेज वगैरह को हम इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, पर इन रेज को हम देख सकते हैं। ठीक है, इन रेज को हम देख सकते हैं बेसिकली। अब जब ये इंप्रेशन मेरा किस पे पड़ा? इस फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ा। किस पे? इस फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ा, तो वो कैसा पड़ा था? ये मेरी ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर की थी। अब जब ये सेवन लाइट का इंप्रेशन पड़ेगा उस पर, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ थी, मतलब 7 पॉसिबल थी व्हाइट लाइट के अंदर, कितनी वेवलेंथ थी? 7, और तो कोई 8 भी है नहीं। ठीक है, जितनी पॉसिबल वेवलेंथ थी वो सारी प्रिज्म ने स्प्लिट आउट कर दी। ठीक है, स्प्लिट आउट कर दी। और ये जो मैं लाइट इसमें से पास कराऊंगा ना, ये मैं प्लेन लाइट पास कराऊंगा। ठीक है, प्लेन लाइट पास कराऊंगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे, कोई जैसे मेरा कुछ ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर मैंने कुछ ऐसा छेद कर दिया ऐसा। ठीक है, अब जब इसके पीछे से मैं लाइट पास कराऊंगा तो वो कुछ ऐसी प्लेन लाइट आएगी। ठीक है, कुछ प्लेन लाइट ऐसी आएगी और इसके इस वाले पोर्शन पे कुछ ऐसे पड़ जाएगी लाइट, जैसे ये मेरी ऐसे निकली इसमें से लाइट ऐसे, और इस वाले पोर्शन पे जाके लगेगी इसके ऐसे में। ठीक है, और ये मेरे सेवन कलर्स यहाँ पे निकलेंगे, सेवन कलर्स यहाँ पे निकलेंगे। तो जो मेरा पड़ा था इस पे इम्प्रेशन फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो कैसा पड़ा था? ऐसा पड़ा था। देखो, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है मान लो। ठीक है, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है मान लो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी कैसा इंप्रेशन पड़ा था। कौन कौन से कलर है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको बना के अभी, मेरे पास कुछ कलरफुल चॉक्स हैं। ठीक है, मान लो पहला तो ये आ गया कुछ रेड का। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑरेंज है, तो ये आ गया मेरा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के बाद क्या है मेरा? येलो, ये आ गया मेरा येलो। ठीक है, येलो के बाद ग्रीन, ये आ गया मेरा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के बाद क्या है मेरा? ब्लू, ये आ गया मेरा ब्लू। ब्लू के बाद इंडिगो, तो इंडिगो तो बच्चों देखो कोई चौक थी नहीं मेरे पास, तो मैंने इसे डार्क ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, और उसके बाद क्या है मेरा? वॉयलेट, वॉयलेट को मैंने पर्पल से थोड़ा कलर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंप्रेशन मेरा फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखा था। ठीक है, कुछ इस तरह का इंप्रेशन मेरा फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखा था बच्चों। ठीक है, बेसिकली मतलब जो मेरी ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक प्लेट थी, या तो वो व्हाइट हो गई थी पूरी, या फिर ऐसे सेवन कलर दिख गए थे। कौन कौन से थे? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विबग्योर से याद करने की ट्रिक विप्योर। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरा इंप्रेशन फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ा था। फोटोग्राफिक प्लेट समझ में आ गई, पहले कुछ ऐसी होती थी ब्लैक इन कलर होती थी। ठीक है, उसमें इंप्रेशन पड़ा तो विप्योर ऐसा पड़ा। जब मैंने क्या करा, कोई व्हाइट लाइट की बीम पास कराई किसमें से? प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म ने क्या करा, मेरी व्हाइट लाइट की बीम में कितने वेवलेंथ पॉसिबल थे? 7 वेवलेंथ पॉसिबल थे, 7 की 7 वेवलेंथ को उसने स्प्लिट आउट कर दिया। और इसी स्प्लिट आउट जो उसने करा है, और जो मेरा इंप्रेशन इस पे पड़ा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या लिखी थी? इट इज द इंप्रेशन,
इट इज द इम्प्रेशन ऑब्टेन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है, मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे इंप्रेशन किसका पड़ रहा है, लाइट का ही, तो जो मेरी लाइट है बीम ऑफ लाइट, उसने सेवन वेवलेंथ को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ऐसे स्प्लिट आउट कर दिया, ठीक है। इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट व्हेनेवर एनी लाइट इज पासिस थ्रू अ प्रिज्म, इज पासिस थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है, मेरा प्रिज्म है, ठीक है, क्या है, मेरा प्रिज्म है। आया समझ में, ठीक है। देखो अब जो मेरी ये लाइट है, ये लोअर डेंसर टू हाइयर डेंसर जा रही थी, तो मेरी जो रेड कलर की लाइट थी ना बच्चों, उसकी स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है। जब वो मतलब प्रिज्म में से स्प्लिट आउट किया, तो मेरी रेड कलर की लाइट थी, उसकी स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है। तो इसमें एंगल काफी, मतलब कुछ ज्यादा एंगल बनाया नहीं, ठीक है, कुछ ज्यादा बेंट नहीं हुई, कम बेंट हुई तो एंगल भी अच्छा खासा बड़ा बना, ठीक है। उसके बाद मेरी ऑरेंज आई, ऑरेंज की स्पीड थोड़ी कम हल्की थी रेड से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके स्पीड कम होती गई, तो जितनी स्पीड कम थी, मतलब मान ली मेरी वॉयलेट की स्पीड सबसे कम थी, रेड की सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, ठीक है। तो वॉयलेट बहुत धीरे गई, तो उसने वो अच्छी खासी बेंट भी हुई और एंगल उतना ही छोटा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही छोटा बना मेरा, ठीक है। आया समझ में, ये समझ में आया मेरा इंप्रेशन, ठीक है। ऐसे करके इंप्रेशन आया था कुछ मेरा फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब लिखो स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स। इसे नोट डाउन कर लिया, इसे रख कर दूं, है ना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना बच्चों। स्पेक्ट्रम को बेसिकली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक है मेरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक है मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लिखो इसी के नीचे, लिख लेना ऐसे करके, इसी के नीचे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। देखो when one light cannot be completely differentiated from each other, ठीक है, differentiate from the other is called continuous spectrum। अब आपने लिखा क्या वो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब उसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अभी जो मैंने बनाया था फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन, वो सबको याद है, देखो दोबारा बना देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन आया कुछ। आपने वाली लाइट्स देखी है, मतलब एलईडी लाइट्स होती हैं, कलरफुल एलईडी लाइट्स, ठीक है, तो टेंपल वगैरह में लगे होते हैं ना, लैंप वगैरह में, तो वो कब अपना कलर चेंज करती है पता नहीं चलता, मतलब रेड से धीरे 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 करके वो कब ग्रीन हो जाती है पता नहीं चलता। कई बच्चों ने देखी होगी वो लाइट, ठीक है, कहीं नहीं देखी होगी तो समझो, ठीक है। बेसिकली रेनबो तो देखा होगा सबने, रेनबो सबने देखा है, ठीक है। तो रेनबो का रेड कलर धीरे धीरे बीच में जब फेड होके फिर ऑरेंज बन जाता है, वो कब बनता है हमें पता नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। लाइट्स आपस में, मतलब जो कलर्स हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं, ठीक है, ठीके? और कब वो रेड से ऑरेंज हो गया, ठीक है, कब वो ऑरेंज से येलो हो गया, कब वो येलो से ग्रीन हो गया, वो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। बेसिकली मतलब इतनी चिपकी हुई है आपस में, मतलब कॉन्टिन्यूस है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट हमें दिख ही नहीं रही थी इन कलर्स के बीच में, इतना अच्छा इंप्रेशन था, ठीक है। तो इस इंप्रेशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, मतलब एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इज प्रेजेंट। कितनी पॉसिबल वेवलेंथ थी व्हाइट कलर में? सात कलर की, और सातों के साथ यहाँ पे प्रेजेंट थी, मतलब कोई भी, ये जो मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है ना, ये जो मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, इसका ब्लैक कलर शो ही नहीं हो रहा था। फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके पास कोई जो ब्लैक कलर की थी, ये जब इस पे इंप्रेशन पड़ा तो इसका ब्लैक कलर उड़ गया, गायब हो गया, इस पे कोई ब्लैक कलर दिख नहीं रहा था, मतलब कुछ गैप ही नहीं था, बीच में चिपके हुए थे आपस में, कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आया समझ में? एग्जाम्पल में लिख लो रेनबो, एग्जाम्पल में लिख लो रेनबो, ठीक है। सेम एज इट इज, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लो ये फिर से मेरी एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब डिसकॉन्टिन्यूस, जब मैंने कॉन्टिन्यूस आपको समझाया तो डिसकॉन्टिन्यूस की फोटो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बन जानी चाहिए। क्या होगी, मान लो यहाँ पे मेरा कुछ रेड कलर आया, ठीक है, अब बीच में कुछ ब्लैक कलर आ गया, उसके बाद मेरा मान लो क्या आ गया, कुछ ब्लू कलर आ गया, फिर बीच में कुछ गैप आया, फिर कुछ पर्पल कलर आ गया, मतलब कुछ वॉयलेट कलर आ गया, फिर बीच में कुछ गैप आया, फिर कुछ ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको गैप के बाद हमारे कलर्स मिलते हैं, वेवलेंथ मिलती है लाइट की, तो वो क्या होते हैं, मेरे डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। बेसिकली जो मेरी फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना बच्चों, कैलिब्रेटेड होती है। क्या होती है? इट इज कैलिब्रेटेड। अब कैलिब्रेटेड का क्या मतलब होता है? कैलिब्रेटेड का मतलब इसमें मेंशन होता है कि किस नंबर पे, मतलब कितने पिकोमीटर की मेरी कौन सी वेवलेंथ है, ठीक है। इसके साइड में यहाँ पे मेंशन होता है कितने पिकोमीटर की कौन सी वेवलेंथ है, मतलब देखो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला मेरे को यहाँ पे गैप गैप के बीच में। अब इस गैप के बीच में यहाँ पे कौन सी लाइट थी, ठीक है, वो तो मैं पता नहीं, लेकिन अब इस वेवलेंथ के थ्रू ये कितने मीटर की मान लिया, ये जो मेरी रेड कलर की है मेरी 100 पिकोमीटर की है, ये मेरी ब्लू है ये मेरी 150 पिकोमीटर की है, ठीक है। तो कैलिब्रेटेड का मतलब क्या है, बेसिकली इस पे मेंशन है यहाँ पे नंबर्स की, मतलब मेरी कौन सी वेवलेंथ कितने पिकोमीटर की है, ठीक है, कितने पिकोमीटर की है। वेवलेंथ की यूनिट्स पढ़ी थी ना हमने, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंगस्ट्रॉम भी पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि कितने पिकोमीटर की मेरी वेवलेंथ है, ठीक है। और जब ऐसा देखो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला था हमें, कॉन्टिन्यूस मतलब कलर्स आपस में चिपके हुए थे, और कब रेड से वो ऑरेंज हो रहा था, ऑरेंज से येलो हो रहा था, मतलब बीच में कुछ गैप नहीं था, ऑरेंज धीरे, मतलब ये रेड है ये ऑरेंज है, रेड धीरे धीरे फेड हो रहा था और ऑरेंज धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, रेड तुरंत खत्म हुआ, बीच में गैप आ गया, ब्लैक कलर की मेरे को फोटोग्राफिक प्लेट दिखने लगी, फिर ब्लू कलर आया, फिर ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक प्लेट दिखने लगी, फिर मेरा पर्पल कलर आया, यानी कि वॉयलेट कलर आया, ठीक है, हमने पर्पल कलर की चौक बना दिए, फिर कुछ मेरा ब्लैक कलर आया किसका, फोटोग्राफिक प्लेट का, और फिर मेरा ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें लिखो वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि कुछ लाइट्स, वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ आर मिसिंग, वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ, ये कुछ मिसिंग है ना यहाँ पे, है ना, वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ आर मिसिंग द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। आया समझ में? बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या था, जब कोई लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होती है और उसका इंप्रेशन फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ता है, तो जो इंप्रेशन पड़ता है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस यानी कि कलर कब रेड से ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज से येलो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। रेड धीरे धीरे फेड हो रहा है, ऑरेंज धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, ठीक है। और किस पे हो रहा है, ग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक इन कलर, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें कैसा मिला, गैप मिला बीच में, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट दिख रही थी और बाकी कलर के बीच में गैप्स था, ठीक है, कुछ मेरी वेवलेंथ मिसिंग थी, वो मेरा डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट, अगेन लिखो, अगेन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दोबारा से लिखो, अगेन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं, पर इतना समझो पहले, देखो अगेन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अगेन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स, एक था मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा है मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, मान लो वहां पे तो मैंने व्हाइट लाइट पास कराई थी प्रिज्म के थ्रू, अब यहाँ पे मान लो मेरा ये सन है, ठीक है, क्या है, सन है, ठीक है, अब सन में यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी, सन में कुछ रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी जिसके थ्रू क्या पास करता है, अपनी लाइट एमिट करता है, ठीक है, सन में कुछ रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, सम रेडियो एक्टिविटी इज परफॉर्म हियर, ठीक है, तो कुछ लाइट ये एमिट कर रहा है अपनी, ठीक है, और जब उस एमिटेड लाइट को मैं एक प्रिज्म के थ्रू पास कराता हूँ, उस एमिटेड लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराता हूँ ऐसे करके, तो जो मेरी यहाँ पे वेवलेंथ निकलती है, ठीक है, उसे मैं बोलता हूँ, और वो इंप्रेशन जो पड़ता है मेरा वेवलेंथ का किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, उसी इंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, सन है, सन में से जो लाइट निकलती है, लाइट किसी रेडियो एक्टिविटी की वजह से निकल रही है, लाइट एमिट हो रही है, एमिट मतलब निकलना, लाइट का निकलना, ठीक है, वो एमिटेड लाइट को, ये एमिटेड लाइट है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये एमिटेड लाइट है, ठीक है, यानी कि एमिटेड बीम है लाइट की, बीम क्या था, बंडल ऑफ रे, सिंगल रे यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाली रे, बीम है डिफरेंट मतलब बहुत सारी वेवलेंथ है, ठीक है, जो हमने पास करा जो वेवलेंथ का इंप्रेशन यहाँ पे पड़ा फोटोग्राफिक प्लेट पे, उस इंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये रब कर दू पहले, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा ना, इसे रब कर देता हूं, ये कौन सा मेरा स्पेक्ट्रम था, ये तो मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम, अब बात करते हैं अपनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, मान लो ये मेरी एमिटेड लाइट है, ठीक है, क्या है, मेरी बीम ऑफ एमिटेड लाइट है, बीम ऑफ एमिटेड लाइट है, ठीक है, बीम ऑफ एमिटेड लाइट है, और यहां पे मेरा क्या है, एक गैस है, कोई गैस है, मान लो कोई भी गैस हो, ठीक है, ये मेरी क्या थी, बीम ऑफ लाइट थी, और ये मेरी क्या है, कोई भी गैस है, तो जब हमने इसे गैस के थ्रू पास कराया,
इस लाइट को हमने गैस के थ्रू पास कराया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो हमें फिर जो यहां से दूसरी लाइट निकली, ठीक है, जब इस एमिटेड लाइट को हमने गैस के थ्रू पास कराया, फिर जो दूसरी लाइट्स निकली उसका इंप्रेशन जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया, तो क्या हुआ था, बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे कुछ ही कलर यहाँ पे लिखे थे, बाकी गायब थे, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, जैसे येलो आ गया, ठीक है, ये ऑरेंज आ गया, ठीक है, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, कुछ इस तरह से मेरे को यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने को मिला। जब मैं एक एमिटेड लाइट को गैस के थ्रू, कोई भी गैस ले लिया मैंने कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर ऐसे गिलास का था, ठीक है, उसमें से लाइट पास करा दी, तो जब मैंने वो लाइट पास कराई तो गैस ने क्या करा, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये सपोज लो, मतलब ये व्हाइट लाइट थी, मान लो व्हाइट लाइट ही थी, व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ होती है, 7 वेवलेंथ, ठीक है, तो 7 में से मेरे को यहाँ पे कितनी दिख रही है, 1, 2, 3, 4 ही दिख रही है, मतलब इस गैस ने क्या करा, कुछ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लिया, यानी कि 3 वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लिया और 4 ही बाहर निकाली, ठीक है, तो जो हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिला वो डिस्कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एब्सॉर्ब हुआ वेवलेंथ, तो इस एब्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, देखो ये इंप्रेशन हमें वेवलेंथ के एब्सॉर्ब होने के बाद मिलता है, ठीक है, डिस्कंटीन्यूअस हमें, ठीक है, सनलाइट की वजह से मिल रहा था, यहाँ पे हमें गैस के एब्जॉर्प्शन, मतलब गैस ने क्या करा, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, अब समझ में आया एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस था, ठीक है, देखो ये सनलाइट है, सनलाइट को हमने यहाँ से प्रिज्म के थ्रू पास कराया, ठीक है, तो उसने सनलाइट की वेवलेंथ को डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, मतलब फोटोग्राफिक इंप्रेशन ही मिलता है, ओ सॉरी, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही मिलता है सनलाइट की वजह से भी, ठीक है, और जब हम उस एमिटेड लाइट को गैस के थ्रू पास कराते हैं तो गैस ने कुछ वेवलेंथ क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और जब मेरी गैस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो इंप्रेशन मेरा फिर पड़ता है फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे मैं बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आया समझ में, इसे भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, लिख भी सकते हो डेट दिस गैस विल एब्जॉर्ब, याद रहेगा ना, एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से तो डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्डा लिख लिया, हो गया, ठीक है, चलो अब बोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, बोर्ड ने कोई एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, हेडिंग लगाओ बोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसने क्या करा, हाइड्रोजन के कुछ एटम लिए, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम लिया, ये मान लो मैंने लिया H2, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम लिया H2, ठीक है, मतलब बोर्ड ने लिया, मैंने नहीं लिया, ठीक है, और उसने इसमें कुछ हीट प्रोवाइड करी, इसे गर्म करा, ठीक है, यहाँ से कुछ हीट प्रोवाइड करी, मैं आग थोड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, नीचे से मतलब कुछ आग इसमें कुछ हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, कुछ हीट प्रोवाइड करी, स्ट्रॉन्गली हीट अप किया किसे, हाइड्रोजन एटम को, या फिर उसने क्या करा, या फिर उसने एक इलेक्ट्रिक स्पार्क किसे दे दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना भी क्या है, एक तरह से हीट अप करना ही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया, या फिर उसे एक स्ट्रॉन्गली हीट अप कर दिया, किसे, हाइड्रोजन एटम को, तो
तो बेसिकली क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये बात भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती, मैं बताता हूँ। बेसिकली आयरन है, ठीक है, आयरन की कोई कील है मेरे पास, लोहे की कोई कील है, उसे जब मैं गर्म करता हूँ आग पे, तो वो गर्म होती है कि नहीं होती है? भाई देखो सब जुगाड़ूंगे, ठीक है, सबने प्लास्टिक वगैरह में छेद करने के लिए कील को गर्म किया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने भी किया है, मैं क्या झूठ बोलूँ, ठीक है। तो जब कील को गर्म करते हैं, ठीक है, आग पे रख के, तो वो देखो गर्म होती है, मतलब उसमें क्या करा, उस आग की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब किया अपने अंदर आयरन ने, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन गैस के एटम ने, एटम को जब उसने बोर्ड ने क्या करा, हीटअप किया, स्ट्रांगली हीटअप किया, तो उसने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और ये कैसा हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, गर्म हो गया। और कुछ टाइम बाद इसमें से क्या निकली, एक ब्लू कलर की वेवलेंथ निकली, मतलब ब्लू कलर की कोई लाइट निकली, ठीक है, ब्लू कलर की कोई लाइट एमिट हुई बाहर, ठीक है, कोई ब्लू कलर की लाइट बाहर एमिट हुई इस हाइड्रोजन एटम में से, ठीक है। और उस एमिटेड लाइट को जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास कराया, तो जो हमें लाइट्स मिली, मतलब जो हमें वेवलेंथ मिली ना, वो कुछ ऐसी मिली थी, ठीक है, मान लो रेड होगी, ग्रीन हो गई, ठीक है, यहाँ से ये और ये, ठीक है। जब हमने इसे प्रिज्म के थ्रू पास कराया, ब्लूइश कलर की जो मेरी लाइट निकली हाइड्रोजन के हीट अप होने के बाद, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और वो जो हमने प्रिज्म के थ्रू पास कराया, तो हमें जो इम्प्रेशन मिला फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो सिर्फ चार ही वेवलेंथ का था, मतलब चार वेवलेंथ का नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला, मैं बोलूँ आपको ऐसा कुछ। चौक गिर चुकी है, ठीक है, लेक्चर की शोभा बढ़ गई, ठीक है, और ये कुछ ऐसा, तो ऐसा हमें डिस्कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला। तो कुल मिला के बोर डायरेक्टली यहाँ पे यही कह रहा था कि रदरफोर्ड यहाँ पे क्या हुआ, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मतलब न्यूक्लियर मॉडल आया था, बेसिकली उसी की, मतलब बोर एटॉमिक मॉडल है क्या, बोर एटॉमिक मॉडल है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया ना हमने यहाँ पे, भैया जो लाइट जिसमें से एमिट हुई, ठीक है, वो हाइड्रोजन ही तो है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये, क्या है ये, बेसिकली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की लाइट निकली, स्पेक्ट्रम क्या था, एमिशन ऑफ लाइट, इंप्रेशन ऑफ लाइट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन एवर एनी लाइट, वो एनी लाइट क्या है, हाइड्रोजन की लाइट है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम किसका है ये, हाइड्रोजन लाइट, हाइड्रोजन एटम का तो स्पेक्ट्रम है ये, इंप्रेशन किसका है, हाइड्रोजन गैस की लाइट का, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बोर्स मॉडल, मतलब इसी के बेसिस पे, इसी के मतलब इसकी स्टडी के पीछे ही हमारा बोर्स मॉडल है, ठीक है, इसी की स्टडी के पीछे हमारा बोर्स मॉडल है, ठीक है। तो जब मेरे को ये ऐसा, मतलब बोर्ड को ये इंप्रेशन मिला, तो उसने बोला डायरेक्टली कि भैया रदरफोर्ड यहाँ पे हुआ क्या, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, हुआ क्या इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हेडिंग लगा लो, देखो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, ये लिख लिया था ना, मैं रफ कर रहा हूं, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, हेडिंग लगाओ, तब तो मैं पानी पी लेता हूं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो
एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर containing protons and neutrons and electrons revolved around the nucleus in a circular orbit. ठीक है, ये मेरा कोई एटम है, मान लो थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये मेरा कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है स्फेरिकल इन शेप, उसके अंदर कोई ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट के बीच में क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा एटम और ये है मेरा सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एटम क्या है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है ना, ये तो बोला एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इन द सेंटर, तो सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो यही हमने पहले पॉइंट में बोला, कोर्स ने मतलब बोला था, पोस्टुलेट से। दूसरा क्या बोला, दूसरा पॉइंट लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स The force of attraction on the electron is balanced by the centrifugal force on the electron. देखो फिजिक्स में आपने दो फोर्सेस के नाम सुने होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं सुनो तो सुन लो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये मेरा कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को कोई मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है अगर वो बाहर की तरफ है तो वो होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर यही फोर्स अंदर की तरफ है तो होता है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, मतलब ऐसे समझो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर फोर्स बाहर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल और अगर अंदर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला हमने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। देखो इस पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस इसके ऊपर कैसा लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, ठीक है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा लेकिन इस पे साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ये क्या है मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये मेरा किसने बताया था, फोर्स ने, और वो किसके इक्वल है, देखो जितना फोर्स न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींचने में लगाएगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तभी ये अपने ऑर्बिट में स्टेबल है। अगर सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ खींचा चला जाएगा, मतलब जितना फोर्स न्यूक्लियस का है उतना ही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी है, तभी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बढ़िया इक्विलिब्रियम में अकेला घूम रहा है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां पे मेन बात क्या थी मेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आगे पॉइंट काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बोर्ड्स ने बोला, ठीक है। तीसरा पॉइंट और क्या बोला,
अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट. अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट but electron occupies that orbit where its angular momentum is quantized. मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है, जिसका गलत हुआ सही कर लेना. अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, एक न्यूक्लियस के अराउंड इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, बट पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिट विच वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब मान लो ये मेरे हाथ में चॉक होल्डर है जिसे मैं दुकान पे लेने जाऊंगा, ठीक है, तो कैसे मिलेगा ये मेरे को, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, क्या ये मेरे को 1.5 क्वांटिटी में मिल सकता है कभी भी, मतलब डेढ़ क्वांटिटी में बोलूं कि भैया मेरे को डेढ़ वो दे दो चॉक होल्डर दे दो, वो नहीं देंगे, ठीक है. अगर मैं बोलूं मेरे को दो चॉक होल्डर दे दो तो वो दो देंगे, ठीक है. तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा कभी भी, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन कभी पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा. तो वो होता है क्वांटाइज, मतलब कोई भी चीज जो कि मेरी लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, उसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है. तो हमने क्या बोला यहाँ पे इस पॉइंट में, बट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले ये समझो, और एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए पहले मोमेंटम समझो क्या होता है. देखो फिजिक्स का टॉपिक है वैसे तो, पर मैं समझाता हूँ मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और ये मेरे इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के, ठीक है. अब मान लो ये रब कर रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है फोर्स, सेंट्रीप्यूगल बाहर की तरफ लगता है. मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ऑल्टो है, मान लो, ठीक है, ऑल्टो है, हल्की होती है इसी वजह से बता रहा हूँ, ठीक है, या चलो ई रिक्शा मान लो, चलो यार क्यों बेइज्जती मारनी, ठीक है, कोई ई रिक्शा है, छोटी सी नन्ही सी ई रिक्शा है कोई, ठीक है, कोई ई रिक्शा है मान लो, ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं बनाई मैंने, और एक है मेरे पास बढ़िया से फुल्ली लोडेड कोई ट्रक, बहुत सारा लोड है इसमें, ठीक है, बहुत वजनी ट्रक है, ठीक है, और दोनों मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये भी मूव कर रही है रिक्शा मेरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से मेरे मूव कर रहे हैं, ठीक है. अब जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, जब मैं इन दोनों पे ब्रेक अप्लाई करूंगा, तो मेरे को किसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ट्रक को या ई रिक्शा को, किसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रक को, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है तो उसे रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और ई रिक्शा का मास कम है तो उसे रोकने के लिए भी कम फोर्स देना पड़ेगा, है ना, यही तो सही बात बोली ना मैंने, है ना. देखो जो मेरा मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके मास पे, जितना ज्यादा मास होगा मेरे को उतना ही ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा. मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में या फिर रेस्ट में लाने के लिए जो फोर्स देना पड़ता है उसी फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, मोमेंटम. मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मतलब उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी स्पीड से चल रहा है प्लस उसका कितना मास है उतना ही फोर्स मेरे को उसे देना पड़ेगा, ठीक है. बात करते हैं अपने एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मेरे एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो मेरा मोमेंटम क्या था mv, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मास m, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है तो v से, ठीक है. अब किस पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ का कुछ वो होगा रेडियस होगा, ठीक है, सेंटर होगा, तो वो रेडियस है r, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा एम वी आर, क्या होता है एम वी आर, ठीक है. तो लिखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, पहले इतना लिखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर. मोमेंटम समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मेरा एम वी आर, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसका कुछ सेंटर है और सेंटर का कुछ रेडियस भी है.
ठीक है, इसे करो नोट डाउन करो। पॉज करके नोट डाउन कर लेना पीछे जाके 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या बोला अराउंड द न्यूक्लियस, आप देखो ध्यान से समझना, यही समझने वाली चीज है। ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब हमने क्या बोला अराउंड द न्यूक्लियस देर आर इंफिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस देर कैन बी इंफिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यही लिखा हमने पॉइंट में। मतलब हमने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ इतना पास हो जाए, कुछ इतना हो जाए, कुछ इतना हो जाए, कुछ इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, मतलब बढ़ते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक, इन्फिनिटी की वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। तो न्यूक्लियस के अराउंड बोर्ड ने बोला कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर इसलिए क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शनल में ना हो, नंबर में हो, ठीक है। तो यानी कि जिस ऑर्बिट में इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, इंटीग्रल 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 मल्टीपल, ठीक है, राइटिंग को मेरे माफ करना थोड़ी सी, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू हो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्या होगा, एटम के होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का मेरा फॉर्मूला क्या था, एम वी आर, क्या था, एम वी आर, ठीक है। तो हमने इसे जब इसके तौर पे लिया तो हमने बोर्ड ने क्या बोला कि जो मेरा एम वी आर है यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा मेरा एच बाय टू पाई के इक्वल, एच बाय टू पाई के इक्वल। पहले इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो, एग्जाम्पल के थोड़ा समझाता हूँ। देखो हमने पढ़ा था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, ठीक है, किसने बताया था ये, मैक्सवेल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, क्वांटा या क्वांटम या फिर फोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वांटम की वैल्यू कितनी थी, एक क्वांटम की वैल्यू कितनी थी, वो थी एच न्यू, ठीक है, एच न्यू। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वांटम की वैल्यू एच न्यू है, यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच बाय टू पाई ली है हमने, यहाँ पे एच क्या था, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, सेवेंटी, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और टू पाई क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट मतलब टू है तो टू ही, और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक फोटोन की वैल्यू को प्लैंक्स ने बताया था कि एच न्यू है, सेम एज इट इज यहाँ पे बोर्ड ने बताया कि मेरा एक एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू एच बाई टू पाई है, इसे ऐसे समझो, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम की एच बाई टू पाई है। अभी ऐसे तो नहीं हो सकता, हाफ एच बाई टू पाई, फ्रैक्शन में तो जा नहीं सकता, 0.52 पाई, एच बाई टू पाई, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था मेरा एम वी आर को हमने, मतलब एंगुलर मोमेंटम को मैंने किसके इक्वल बोला, एन एच बाय टू पाई, ठीक है। अभी तो मैंने बोला कि यहाँ पे एच बाय टू पाई, एन क्या है, अब एन क्या डिनोट करता है मेरा, एन डिनोट करता है मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, मतलब ऑर्बिट का नंबर क्या है, ऑर्बिट का नंबर क्या है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मेरे को एंगुलर मोमेंटम किस ऑर्बिट का निकालना है, मान लो 6 का निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, मान लो 5 का निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, बाकी h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और 2 पाई तो सबको पता है कांस्टेंट है, 2 पाई तो सबको पता है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और मेरा
हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम वो इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा। n की वैल्यू 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसा बोर ने बोला, ठीक है। और हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में ना हो, ठीक है। सपोज मान लिया इसकी 0.5 है और ये क्या है, 0.5 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा, तो वो इसमें ना जाके इस ऑर्बिट में जाएगा, डेफिनेटली ये बोल रहा है मेरा बोर यहाँ पे, ठीक है। आया ये पॉइंट समझ में, आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, ईच ऑर्बिट आर एनर्जी शेल, ईच ऑर्बिट आर एनर्जी शेल दैट ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ, दैट ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेटेड is associated with definited or fixed amount of energy, ठीक है, definited or fixed amount of energy, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। हर ऑर्बिट क्या है, एक एनर्जी शेल है, ठीक है। और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे मेरा ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यही बोला है इस पॉइंट में बोर ने, ठीक है। जैसे जैसे देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटम का रेडियस भी बढ़ेगा, रेडियस of the atom increases, radius of the atom increases on the increase in the increase in या फिर on the increase in orbit, ठीक है। जैसे जैसे orbit बढ़ेंगे radius of the atom भी बढ़ेगा, ठीक है। जो radius of the atom बढ़ेगा तो energy भी बढ़ेगी, ठीक है, atom की energy भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में बोर्ड ने बोला, ठीक है, कि ईच ऑर्बिट आर एनर्जी शेल दैट ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफाइंड और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा रेडियस ऑफ द एटम बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। और क्या बताया बोर्ड ने, और बताया ऑल्सो क्या बताया कि E2 minus E1 greater than E3 minus E2 greater than E4 minus E3 and so on, ठीक है। मतलब अगर मैं E2 में से, यानी कि एनर्जी 2 में से एनर्जी 1, यानी कि सेकंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट वाले एनर्जी की ऑर्बिट को माइनस करूंगा तो वो मेरा किससे ज्यादा होगा, वो मेरा होगा E3 minus E2 की, और E3 minus E2 मेरा किससे ज्यादा होगा, E4 minus E3 से, ठीक है। इसे भी आगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसे भी आगे हम प्रूफ करेंगे एनर्जी के ऑर्बिट को, मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे हम पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, ठीक है। ये नोट डाउन करो, ठीक है। बेसिकली ई है क्या यहाँ पे, बेसिकली एनर्जी ई है क्या, व्हाट इज एनर्जी ई हियर, ठीक है क्या एनर्जी, ठीक है। देखो जो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इन द एनर्जी, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड है, ठीक है। तो मेरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होगी, बेसिकली ई क्या है, ई इज द पीई प्लस के ई, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी किसकी,
टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जब हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करते हैं तो मेरी टोटल एनर्जी निकल के आती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में। मान लो सेकंड ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे क्या आएगी, टोटल एनर्जी आएगी उस इलेक्ट्रॉन की जो मेरा सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसे लिख लो, लिखो द एनर्जी ई, द एनर्जी ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, जो कि हमने अभी पढ़ा है ना, हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन फिक्स्ड क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी शेल, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्बिट है, हम क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल। जो मेरी क्वांटिटी आई है ना फिक्स्ड क्वांटिटी, उसे हम बोलते हैं एनर्जी शेल। क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल, ठीक है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो। हो गया, हो गया, चलिए। अब एक बात लिखो, लिखो बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल इज वैलिड, बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ठीक है। जो बोर मॉडल है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही वैलिड है किसी भी एटम के, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट किसके साथ करा था, हाइड्रोजन के एटम के साथ, किसके साथ करा था, हाइड्रोजन के एटम के साथ। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंट करके अपनी थ्योरी निकाल दी, आता अधूरा ज्ञान, ठीक है, जो कि आगे चल के इसका ड्रॉबैक भी बना था। यही ड्रॉबैक बना था क्या, कि उसकी जो थ्योरी थी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही वैलिड थी, ठीक है। जैसे मान लो H है, तो H में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए वैलिड है। उसके बाद आया हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, देखो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। इसे लिख लो, पहले एक साइड में नोट बना के लिखो, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, किससे, Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर मेरा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एटॉमिक नंबर मेरा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6। तो जैसे मेरे यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, ऐसे। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान लो इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, मेरा वैलिड हो जाएगा। फिर मेरा लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3। इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये भी वैलिड। लिथियम क्या आएगा, बेरिलियम, ठीक है। इसमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे बचा, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे बचा, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में और प्रोटॉन्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नंबर इसका कितना एटॉमिक नंबर, 4, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेरिलियम में, 4 होंगे। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे करके उसने अपनी थ्योरी को वैलिड प्रूफ करा था कि एक, मतलब
एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए वैलिड हो, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दे बेरिलियम में से, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वैलिड, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन निकाला है प्रोटॉन नहीं निकाला, ठीक है। लिथियम तीन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, तीन होंगे। बेरिलियम चार एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, चार ही होंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, हो गया। चल ठीक है, अब मान लो ये मेरा एटम है, ठीक है, ये मेरा एटम है, एटम के अंदर मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एटम है और एटम के अंदर मेरा न्यूक्लियस है, और इस पे मेरा क्या मूव कर रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया मैंने इसका इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया m, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ये v, कंसीडर कर लिया, लेट कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। और न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ऑर्बिट तक कितना है वो मान लिया हमने r है, कितना है r है, ठीक है। और देखो अब आ जाओ अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जो भी हमने लिखा था ना पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, पॉइंट नंबर 2 पे अपने आ जाओ। हमने क्या बोला था कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मेरा किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यानी कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है जब मेरा कोई ऑर्बिट किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है, यही तो बोला था। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, या तो रिपल्जन का लगता है या तो अट्रैक्शन का लगता है, डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितने दूर दो चार्जेस होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, जितने पास चार्जेस आएंगे, ठीक है, मतलब जितने दूर जाएंगे उतना ही कम फोर्स होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितने पास आएंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो लिखो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसा आया, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है, ये फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स में आप चाहो उसकी डेरिवेशन जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कैसा आया था आपको पता ही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक इसके जस्ट अपोजिट होता है, वहां पे दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे किसके फोर्स के इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। अब यहाँ पे के क्या है, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा। अब Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लो ये इसका एटॉमिक नंबर एटम का कितना है, जेड है, ठीक है। तो मेरे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और मेरा प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जेड के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है मेरा 1.602×10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। सेम एज इट इज प्रोटॉन पे होता है मेरा 1.602×10⁻¹⁹ कूलम, इसे भी लिख लो पहले, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इतना, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, जेड के इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मेरा सेम चार्ज है, तो मैं इस पे क्या लिख सकता हूँ कि जेड क्या है, मेरा प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन में मेरे इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, तो मैं जेड मल्टीप्लाई बाय ई कर सकता हूँ, तो मेरा इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा, जेड मेरा प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन जितना चार्ज है, तो अगर मैं जेड ई लिखूं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे मैंने मान लिया कितना चार्ज है, जेड ई चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे मेरा चार्ज मेरे को पता ही है क्या है, ई है, ये वैल्यू अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस पे मैंने मान लिया ई चार्ज है, इस पे जेड ई चार्ज है, ठीक है, इस पे मेरा ई चार्ज है और इस पे जेड ई चार्ज है, तो के एज इट इज आ गया। अब Q1 कितना है यहाँ पे, Q1 कितना है, जेड ई, Q2 कितना है, ई, इनके बीच में मल्टीप्लाई अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज, और इधर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर आ गया, ठीक है। अब देखो
अब जो ये मेरा फोर्स बनेगा ये बनेगा के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बोर्ड ने ये दिया हमें, एक इक्वेशन तो बोर्ड ने ये दी, इसे नोट डाउन करो। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, एक इक्वेशन तो बोर्ड ने ये दी हमें। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, एंगुलर मोमेंटम मेरे किसके इक्वल था, एन एच बाई टू पाई के। एन एच बाई टू पाई क्या था, एक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी उसने, एम बी आर इज इक्वल टू मेरा एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई एक इक्वेशन उसने ये दी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन उसने ये दी, इसे नोट डाउन करो। पहले हमने क्या कंसीडर किया, एक एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लो अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो Z मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है। ठीक है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब प्रोटॉन होंगे, मान लो इस पे 4 प्रोटॉन है, मान लो इस पे 4 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.66। तो जो प्रोटॉन चार है तो इसमें 4 प्रोटॉन का मेरा चार्ज आ जाएगा, है ना। तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने मान लिया Z E चार्ज, और इसमें मैंने माना इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज। अब जो मेरा Q1 चार्ज था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी Z E, Q2 की वैल्यू रखी E, दोनों E हैं तो E स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो आएगा मेरा K, जो कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है, Z E स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, जो कि मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है, विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, एन एच बाई टू पाई आया समझ में, इसे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन कर लो। हो गया, हो गया। चलिए, अब जो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इससे हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या क्या ड्राइव करेंगे, ठीक है, क्या क्या ड्राइव करेंगे, पहला तो लिखो, पहली जो हम डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे हम रेडियस की, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। लिखो, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ये हम यहां पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये हम यहां पे ड्राइव करेंगे। तो पहले यहां पे मैं पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में यहां पे ले लेता हूं, क्या है, के जेड ई डॉट ई अपॉन में आर स्क्वायर, और इधर क्या था मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये था। अब इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पे कितने आर बचेंगे, आर स्क्वायर था यानी दो आर थे, एक आर बचेगा, तो के ये दोनों ई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू में मेरा एम पी स्क्वायर ये आया। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एम। ठीक है, अब मैं एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा एम से, और इसकी भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं एम से। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई एम से करूंगा तो मेरे पास आएगा के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन में आर। ठीक है, और इधर क्या आएगा मेरा एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, यही तो आएगा मेरा एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब इधर ले लो, मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन का कुछ आया निकल के। ठीक है, ये मेरा कुछ पहली इक्वेशन का आया निकल के, क्या है, के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन में आर इज इक्वल टू में एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये कैसे आया था, जब मैंने एम की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करी थी। ठीक है, एज्यूम किया, माना है कि हमने एम की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, दूसरी थी मेरी एम बी आर इज इक्वल टू में क्या है मेरा एन एच बाय 2 पाई, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, मतलब मैंने नहीं बोर्ड में करा था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या इज इक्वल टू एन स्क्वायर,
एच स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और पाई का स्क्वायर, ठीक है ये आएगा। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन का रिजल्ट निकल के आया, तो इसे पहले नोट डाउन करो, ठीक है इसे नोट डाउन करो पहले। देखो पहली इक्वेशन ली, अब एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इधर नीचे आर स्क्वायर था, अब इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया तो ये मेरा एक आर बचा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ आर बचेंगे। फिर मैंने क्या करा इसकी मल्टीप्लाई कर दी एम से दोनों तरफ, तो मेरे पास जब ये आएगा तो ये आएगा के जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है और इधर क्या आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे सिंगल एम था, जब इसकी एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एम स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर पहले से था वो एज इट इज। तो एक तो ही फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट निकल के आया, सेकेंड पे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एन स्क्वायर एच स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर और पाई स्क्वायर, ठीक है और पाई स्क्वायर इतना लिख लिया, इतना हो गया ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है कुछ ऐसे जैसे के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन में आर इक्वल टू मेरे किसके था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, किसके इक्वल था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू मेरी क्या थी वहां पे अभी समझाता हूं। देखो ये तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो कि मेरे किसके इक्वल था, किसके इक्वल था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मेरा ये आया, ठीक है ये आया। यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिया है, ठीक है एम स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिया है, यहाँ पे मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही लिया है मैंने, ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया है एम से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मेरा ये आएगा यही आया ना, ठीक है और इधर क्या करा जो मेरा एंगुलर मोमेंटम था उसकी वैल्यू मेरी वहां पे क्या थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, तो स्क्वायरिंग जब मैंने करा तो मेरा क्या आया उसकी वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर, तो ये मेरी कुछ वैल्यू आई, ठीक है ये मेरी कुछ वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों, एक मिनट ये जो मेरा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना बच्चों, ये इसका आर मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है इसका जो आर है मैं यहाँ ले आया, ठीक है तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा, ठीक है एम स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका जो आर स्क्वायर था वो मैं इधर की तरफ ले आया, तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा आर स्क्वायर, जो इधर का एम पी के साथ जो स्क्वायर था आर स्क्वायर वो मैं 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर के साथ ले आया, ठीक है तो ये मेरा कुछ यहाँ पे निकल के आया रिजल्टेंट, ठीक है और इन ये दोनों मेरे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है इन्हें मैंने कंपेयर किया एक दूसरे के इक्वल, तो देखो जो कट रहा है वो काट दो, इस आर से ये आर कैंसिल, ठीक है इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है और जो मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है अपॉन में 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और आर, यहाँ पे दो आर थे एक आर कट गया तो एक ही आर बचेगा, ठीक है एक ही आर बचेगा। अब देखो अब इस वाले आर को मैं इधर ले जाऊंगा और ये वैल्यू मैं यहाँ ले आऊंगा, ठीक है तो क्या आएगा मेरा आर इज इक्वल टू में एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और एम, ठीक है तो ये जो आएगा ये आएगा मेरा रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी एक ऑर्बिट का फॉर्मूला अगर मेरे को निकालना है तो मैं इसके थ्रू
निकाल सकता हूँ, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का फॉर्मूला मेरे को निकालना है तो मैं इसके थ्रू निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या आया था, मेरा एम से मल्टीप्लाई करने पर आया था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये मेरा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो थी nh by 2 pi, उसका मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया और m स्क्वायर b स्क्वायर और r स्क्वायर जो था वो मैं इधर की तरफ ले आया, ठीक है। तो ये आया कुछ, उसके बाद जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो r से r कैंसिल हो रहा था, उसके बाद ये वैल्यू मेरी आई है जो कि r है, जो कि है रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है मेरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक तो एच मेरा कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एच मेरा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरा फोर पाई स्क्वायर भी क्या है मेरा कांस्टेंट है, के क्या है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जेड मेरा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, ई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कांस्टेंट होता है कितना 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास भी मेरा इलेक्ट्रॉन में कांस्टेंट होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट है। तो जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख के यहाँ पे निकाली, ठीक है, जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख के हमने r निकाला, ठीक है, r निकाला वो कितना आया, हुआ है मेरा 0.529 और n तो मेरा कांस्टेंट था नहीं, तो n स्क्वायर एज इट इज और z नीचे एज इट इज, ये मेरी वैल्यू आई थी एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और यहाँ पे हम r के बाद n भी लगा देंगे, सपोज मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है या थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफाइन करता है, ठीक है, एनर्जी सबके लिए इक्वल लगेगी लेकिन नंबर ऑफ मतलब नंबर चेंज होगा और एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ठीक है, n चेंज हो सकता है और z एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट, और क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट, ठीक है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से इसके दो पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ये तो समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको सही लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट्स में जरूर बताना, कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।